फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 32 साइज की एक अनदर ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। ये ब्लाउज स्लीवलेस होगी और फ्रिल्स के साथ होगी। सबसे पहले हम पैटर्न कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पेपर लिया है। इस पेपर की लंबाई 13.5 इंच है, लगभग 14 इंच, और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। इसे मैंने तिरछा लिया है। सबसे पहले हम साइड से यहाँ 8 इंचज मार्क करेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से 6 इंच ले रही हूँ और इस साइड से भी 6 इंच मार्क करूँगी और इन दोनों ही मार्क को आपस में मिला लूँगी। नाउ मैं कर्विंग स्केल का यूज़ करके इस आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद इसमें हमें नेक और शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम इस लाइन से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसी मार्क से 2.5 इंच ऊपर हम यहाँ मार्क करेंगे। अब इस मार्क के दोनों ओर हम 1-1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डार्ट बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अब हम नीचे के साइड डार्ट बनाएंगे। इसके लिए जो लंबाई 6 इंच है, यहीं से हम 3 इंच यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब हम इस दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसके साइड में 2.5 इंच का डार्ट लगाएंगे। यहाँ मैंने डार्ट टेढ़ा लगाया है क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी डार्ट लगा चुकी हूँ। अब हम इसकी फिटिंग के लिए यहाँ 3 इंच और यहाँ 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस मार्किंग को हम ऊपर वाले मार्क से मिला लेंगे। नाउ मैं साइड की अच्छी फिटिंग के लिए मैं यहाँ 5 इंच मार्क करूँगी और इसे मिला लूँगी। अब इसकी कटिंग करने से पहले हम थोड़ा सा डार्ट को फिक्स करेंगे, मतलब ये जो साइड वाली डार्ट है, इसमें जो डार्ट मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नीचे से लूँगी। अब हम बचे हुए हिस्से को कट करके निकाल लेंगे। इस वाले डार्ट को हम नहीं काटेंगे, इसमें जस्ट हमें स्टिचिंग ही करनी है। अब हम इसमें एक स्वीट हार्ट नेकलाइन का पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न रेडी हो जाने के बाद अब हम इसे फैब्रिक में कट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लाइनन फैब्रिक ली हुई है, ये कत्थे कलर की कॉटन की। अब हम इसे दोनों हिस्से के लिए काटेंगे, इसीलिए मैं इसे टर्न करके रखी हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा सीम अलाउंस नहीं दे रही हूँ। अब इसे एडजस्ट करने के बाद मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी। भी सीम अलाउंस देते हुए अब हम इसे कट कर लेंगे। इसमें भी मैंने पैटर्न के हिसाब से डार्ट लगा ली है और अब दूसरे साइड में भी डार्ट लगा के कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड ही मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। अब हम इसी की कटिंग मेन फैब्रिक में करेंगे, जिसे मैंने यहाँ 1/2 मीटर लिया हुआ है। मेन फैब्रिक को भी मैंने सेम कट कर दिया है। अब इसकी कवरिंग के लिए हमें इस तरीके से इसे ऊपर से स्टिच करके कवरिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लाइनिंग लिया है। इसमें पहले सीम अलाउंस देते हुए हमें इसे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ साइड में हम बटन्स के लिए एक लाइन मार्क कर लेंगे। नीचे साइड हम ड्रॉ करेंगे 7 इंचेस। ये जो हिस्सा है बटन वाला, इसे हम लगभग बटन के हिसाब से ही 6 इंच रखेंगे। इस वाले हिस्से को हम पैटर्न के हिसाब से ही 5.5 के लगभग रखेंगे। इसके बाद इन दोनों ही लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम नीचे वाली लाइन का 1/2 लेंगे, लगभग 3.7 के लगभग हम यहाँ बीच में मार्क करेंगे और इसमें हम डार्ट बनाएंगे। ये डार्ट 5 इंच की होगी। अब आप इस डार्ट को अपने हिसाब से 1 इंच साइड से बढ़ा लेंगे और बाकी पूरी मार्किंग को सेम अलाउंस देते हुए हम मार्क कर देंगे, देन कट कर लेंगे।
इसमें दोनों तरफ आप मार्किंग कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह हम मेन फैब्रिक को भी कट करके मार्किंग कर लेंगे। अब मैं ब्लाउज की स्ट्राइप बनाने के लिए यहाँ पर 13-13 इंच की दो स्ट्राइप ली है जो कि डबल है। हम बिल्कुल इसी के साइज की एक लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लेंगे। हमें इस स्ट्राइप में कुछ रफल्स भी लगाना है, इसलिए मैं फैब्रिक से कुछ स्ट्राइप कट करके अलग कर रही हूँ। रफल की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं यहाँ 3 इंच रख रही हूँ। इस रफल के लिए जो मैंने फैब्रिक ली है उसकी लंबाई है लगभग 20 इंच। दोनों को मिला के 40 इंच लगभग मैंने रफल के लिए कटिंग कर ली है। इसे हम 20 से स्टिच कर लेंगे जिससे रफल बनाने में आसानी हो। अब हम इसकी स्ट्राइप में रफल ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं रफल रेडी कर लिया है और इसे एक साइड ऐड कर लिया है। अब इसे कवर करने के लिए मैं लाइन से इसे ऊपर से इस तरीके से रख के स्टिच करूँगी। ये दोनों स्ट्राइप अब रेडी हो चुकी है जिसमें रफल लगा है। अब हम ब्लाउज वाला पार्ट लेंगे और इसमें इसे अटैच करेंगे। अटैच करते समय हम इसके सीधा उल्टा का ध्यान रखेंगे। हम इसे बाहर की ओर से लगा रहे हैं और ऊपर के साइड से हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए स्ट्राइप्स पूरी तरीके से ऐड हो चुकी है। अब हम इसके बैक साइड में जो मार्किंग किए हैं उसे हम स्टिच कर लेंगे, साइड डार्ट लगा लेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही स्ट्राइप के दूसरे हिस्से को हम बैक पार्ट से उसी तरीके से अटैच करके ऊपर से स्टिच कर लेंगे जिससे ये कवर भी हो जाए और अटैच भी। साइड से इसे अटैच कर लेंगे और नीचे इसे स्टिच करके बटन लगा लेंगे। देन ये ब्लाउज रेडी है। आप इसे किसी भी प्लाजो के साथ या साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं।